क्लास 3 पार्ट 3। आज हम पढ़ेंगे गैजेट्स के बारे में। गैजेट्स क्या है? गैजेट्स आर मिनी प्रोग्राम दैट डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन एंड प्रोवाइड एक्सेस टू वेरियस यूजफुल टूल्स। गैजेट्स जो होता है वो मिनी प्रोग्राम होता है जो कि हमको डिस्प्ले करता है इन्फॉर्मेशन और वो वेरियस टाइप का यूजफुल टूल्स हमको प्रोवाइड कराता है। गैजेट्स कैन बी फाउंड इन द गैजेट्स गैलरी और यू कैन डाउनलोड गैजेट्स फ्रॉम द इंटरनेट। गैजेट्स जो होता है वो गैजेट्स गैलरी में फाउंड होता है और इसको हम लोग डाउनलोड करते हैं कहाँ से? इंटरनेट से। यू कैन ऐड और रिमूव द गैजेट्स ऑन योर डेस्कटॉप अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अगर हमें जो चाहिए होता है, मान लीजिए हमें कैलेंडर चाहिए होगा तो हम उसको रख सकते हैं, नहीं चाहिए होगा तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हमें क्या रखना है और क्या नहीं। यहाँ पे सारे गैजेट्स दिखाए हुए हैं। गैजेट्स में क्या है? कैलेंडर, क्लॉक, CPU मैटर, करेंसी, फीड हैंडलिंग, पिक्चर्स, पजल्स, स्लाइड शो, वेदर, विंडोज मीडिया, ये सारे किस में आते हैं? गैजेट्स में आते हैं। अब देखेंगे हम शॉर्टकट बटन्स इन ए विंडो। विंडो के शॉर्टकट्स बटन्स को हम देखेंगे। शॉर्टकट बटन्स आर प्लेस्ड ऑन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द ओपन विंडो। शॉर्टकट बटन जो होते हैं वो अपर राइट में होते हैं किसके? ओपन विंडो के। गिवन ब्लू आर द 4 टाइप्स ऑफ शॉर्टकट बटन्स। अब हम पढ़ेंगे कि 4 शॉर्टकट्स बटन्स है उसके बारे में। मिनिमाइज बटन, दिस बटन्स मेक्स द विंडो स्ट्रिक टू द टास्क बार। ये क्या करता है? मिनिमाइज करता है हमारे टास्क बार को विंडो में। मैक्सिमाइज बटन, दिस बटन्स इंक्रीज द साइज ऑफ द विंडो टू इट्स मैक्सिमम। ये क्या करता है? मैक्सिमाइज करता है, इंक्रीज यानी बढ़ाता है उसके साइज को। रीस्टोर डाउन बटन, दिस बटन रिसाइज द विंडो बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। ये रिसाइज करता है और उसकी ओरिजिनल पोजिशन में उसको ले आता है। क्लोज बटन, दिस बटन इज यूज टू क्लोज द ओपन विंडो। और इससे क्या करते हैं हम? विंडो जो ओपन किए रहते हैं उसको हम बंद करते हैं क्लोज बटन से। सेलेक्टिंग एंड डिससेलेक्टिंग एंड आइकन्स। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हम सेलेक्ट करते हैं और डिससेलेक्ट करते हैं आइकन्स को। टू सेलेक्ट एन आइकन परफॉर्म द फ्लोइंग स्टेप। अब ये फ्लोइंग स्टेप से हम जानेंगे कि कैसे हम आइकन्स को सेलेक्ट करते हैं। एट फर्स्ट पॉइंट द माउस पॉइंटर ओवर एनी आइकन्स। यहाँ पे इतने सारे आइकन्स से किसी भी एक आइकन्स को हमें क्या करना है? सेलेक्ट कर लेना है, पॉइंट कर लेना है माउस से। क्लिक द लेफ्ट माउस बटन वंस और फिर हमें लेफ्ट माउस से उसे क्या करना है? लेफ्ट बटन से क्लिक करना है एक बार। यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ आइकन्स चेंज। और हम नोटिस करेंगे कि उसका जो कलर्स होता है आइकन्स का वो क्या हो जाएगा? चेंज। दिस मीन्स दैट द आइकन्स इज सेलेक्टेड। और जैसे ही उसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि वो आइकन्स जो है हमारा वो क्या हो गया है? सेलेक्टेड हो गया है।